शाहीन बाग धरने के समय उभर कर आए अतिवादी मुस्लिम संगठन PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने बगैर परमिशन के उज्जैन में ध्वजारोहण किया। CAA और LRC के चलते शाहीन बाग धरने को आयोजित करने वाले व कुछ समय तक प्रतिबंधित संगठन की श्रेणी में रहने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने उज्जैन में कई जगहों पर ध्वजारोहण कर अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस संगठन की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने इस संगठन को बैन किया था, मगर केरल हाईकोर्ट द्वारा इस बैन को हटा दिया गया। तब से इस संगठन के सदस्यों पर सरकार की नजर रहती है। यह संगठन मुस्लिम समाज के संगठन के रूप में काम करता है और कई बार इस समाज के लोगों को उकसाने में इस संगठन का नाम सामने आता है। बुधवार सुबह भी इस संगठन के सदस्यों ने बेगम बाग में बिना अनुमति के अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होकर ध्वजारोहण किया। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी पहुंचे और इनसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक इस संगठन पर 2013 में केरल राज्य में प्रतिबंध लगाया था। बाद में कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। इन्होंने बिना अनुमति लिए ये झंडा वंदन किया है। उज्जैन में तोपखाना, बेगम बाग, अमरपुरा, आगर नागा, एटलस चौराहा और महितपुर में झंडा वंदन किया है। आज PFI का स्थापना दिवस है, इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।